करार कर दिया गया। बारे में सरकार ने आप लोगों को बता नहीं, वजह नहीं बताई? सरकार ने कहा कि नहीं, सरकार ने मतलब झूठी पॉलिसी दिखाते हुए सरकार जो है हमारे लिए लड़ी भी, लेकिन वो सिर्फ दिखावा ऊपर से। अगर सरकार वाकई में दिल से चाहती कि हम करें मुसलमानों के लिए इंसाफ करें, तो वाकई में वो कुछ कर बैठती। हम बस इतना कहेंगे कि सरकार, अगर ये मामला अगर हिंदुओं का होता या किसी और कौम का होता, तो अभी बहुत आराम से उनको कुछ ना कुछ फायदा हो जाता। आप लोगों के हिसाब से सरकार धर्म वाली बात कर रही है? यस, सरकार पूरी तरह से दोहरी नीति अपना रही है। 2011 वालों के लिए उनको एज पे रिलैक्सेशन मिल गया और वो इत्मीनान से सुकून की सांस उन्होंने ले ली, लेकिन हमारा एक छोटा सा मुद्दा सरकार की समझ में नहीं आ रहा। सरकार हमारे लिए, खास के अकलियत के लिए, मुसलमानों के लिए गूंगी, अंधी, बहरी, लंगड़ी, लूली सब बन चुकी है। वजह एक ही है कि उर्दू बांग्ला स्पेशल टीईटी का 2013 में एग्ज़ाम हुआ था, 26,000 उम्मीदवार पास हुए थे। सारे उम्मीदवारों को उर्दू टीईटी का रिजल्ट दिया गया, आवेदन करवाया गया और मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया। नाम आने के बाद में पास 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। उस वक्त से लेकर के 6 सालों से अब तक के धरना, रैली, प्रदर्शन, लाठी चार्ज, पुलिस की लाठी चार्ज, सर फटा, कमर टूटा, हाथ टूटा, लेकिन आज तक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री और बिहार बोर्ड की तरफ से आश्वासन मिला है कि आपके समस्या को हल किया जाएगा, हल किया जाएगा, हल किया जाएगा, लेकिन अभी तक के इस उर्दू टीईटी ग्रेस पास रिजल्ट जारी करने के लिए कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं हुआ। अब हमारी उम्र सीमा पार कर रही है, अब हम क्या करेंगे? पूरे हिंदुस्तान में रिजल्ट देखकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कहीं फेल नहीं किया गया, क्या हम हिंदुस्तान के नहीं हैं? मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, 45-50% पे आप जनरल टीईटी वालों को आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनकी बहाली कर रहे हैं। हम सौतेला है ना, इसीलिए हमारे साथ में इंसाफ नहीं हो पा रहा, लेकिन आज हम इसलिए आए हैं, हम आज इसीलिए आए हैं कि किसी भी हाल में लिखित रूप में आज आश्वासन देना होगा कि रिजल्ट जारी वो करेंगे ग्रेस पास उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का कि नहीं। अगर वो नहीं करेंगे, कुछ तो जवाब वो देंगे, नहीं तो हम शौक से हम पूरे मीडिया, पूरे बिहार सरकार के सक्षम पूरे मीडिया के सामने हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को हम जीना पसंद नहीं करते हैं, हम आत्महत्या करते हैं, जब क्योंकि नीतीश कुमार जी ने खाना देकर के